ये ले खा ले, और बहुत सारा दूध दिए, बता रही हूँ। हाँ अरे बहू बेटा आगे खड़ी रही है, मैं तनक दूध दू लू। अच्छा जी, तुम बहुत चलाक हो, पीछे को हो जाओ, दूध मैं निकालूंगी भैंस का। अरे दूध दो लेने दे, अब वैसे भी तू मेरा लौंडे की बहू है, अब मैं तेरा ससुर हूँ, तू सेवा कर, मेवा की चिंता मत कर, मेवा हम खाए ले रहे हैं। अच्छा जी, सेवा मैं कर लूँ, मेवा तुम खाओगे, वैसे कोई होगा थोड़ी तुमसे चलाक। आए बड़े भारी दूध निकालने वाले, दूध निकाल मत लियो भैंस का। अरे कितनी मुजोर हो रही है बिलान भर की, दूध दू लेने दे, ज्यादा ना बोला। ऐसा है डिब्बा सिब्बा सब फेंक दूंगी, दूध निकाल लेने देने की हूँ। दूध ना निकालने दे ना। अजी कैसे नहीं निकाला, अभी निकाल ले रहे हैं। तुम ना मानोगे ऐसे, आए बड़े भारी दूध निकालने वाले। अरे तूने हमारे हाथों से पलटा छीन लिया, ओह कितनी बदमाशी दिखा रही है, बदमाश हो रही है, बदमाश। बदमाश काहेगी, तुम करो भैंस का निहार, पानी भी मैं पिलाऊंगी। अरे तो क्या हो गया, पानी पिलाना सेवा करना तो तेरा कर्तव्य है, धर्म है, इस घर में आई तुझे पता ना बड़ों की सेवा करी जा। हाँ तो पहले मैं दूध निकाल लूँ, जो बचेगा बात को थाने में वो तुम निकाल लियो। अरे तो ठीक है, हम भी तो वही कह रहे हैं, हम तीन थन के दूध निकालेंगे, एक थन काम छोड़ देंगे, उसको तू निकाल लिए। हाँ मैं तो पागल हूँ, एक कम में लूंगी और सेवा सारी मैं करूंगी, ज्यादा फालतू मत बोलो, मैंने निकालने तेरी दूध। आए बड़े भारी जब देखो लड़ाई लड़ाई। मुजोरी मत करे, जितना हम कह रहे हैं उतना सुन ले, तीन थन का हम ले रहे हैं, एक थन का तू ले ले, तो बहुत दे रहे हैं हम तुझे, एक थन का दूध देता रहे और कितना लेगी। ऐसा है मेरे मुंह मत लगो ज्यादा, वरना कपड़े फाड़ के ना थाने में पहुंच जाऊंगी, परिवार खिंचा फिरेगा। आए बड़े भारी दूध निकालेंगे। मुजोरी कर रही है? हाँ मुजोरी करने को मैं तुम्हारे मुंह में मूतरी होऊंगी। मुंह में मूतने से कम भी ना कर रही, मैं मूतने से कम भी ना कर रही, अपनी लुगाई तो थम ना रही, आए दिन पकड़ी जा रहा है वो किसी के खेतों में, कल मगड़ू के लौंडे के साथ पकड़ी गई। शर्म तो आई ना रही, अपनी सास के बारे में ऐसी बातें कर रही है, जब उसे शर्म ना आ रही तो, और हमसे जवान लड़ा रही है, कपड़े फाड़ के थाने जाएगी, हमें फंसवाएगी। तुझे पता हमने कित्तों को कपड़े फाड़ के थाने में जेल कराया, और जिसे भी जेल कराया ना अब तक छूट के ना आया, जानती ना तू राजमती को, वही निपटेगी तेरे से, नंगी खड़ी हो जा थाने में जाके। हाँ मुझे पता तुम्हारे रिकॉर्ड का। अभी रुक तू, राजमती देखिए गले पड़ रही है, यहाँ को बताएगी, और देखिए निपटिए, तू ही निपट इससे। क्या हो गया जी? खरीद के रख दी। अच्छा खरीदने की तो बात दूर की, इसका करे कौन है, मैं ही तो करूँ, अगर दूध पीने का इतना शौक है तो इसे नियाज डाले करो, इसे नहलाए करो, पानी पिलाओ टाइम से, आई बड़े भारी दूध पिला दो दूध। अच्छा तुझे लायक किस्ता है, इसीलिए तो लेकर आए थे ताकि तू हमारी भैंस का नियार गोबर कर सके। हे भगवान कितनी मुजोर बुढ़िया पल्ले पड़ी, इसलिए आई मैं, नौकरानी बनूंगी मैं, नौकरानी ना, तुझे महारानी बना के रखेंगे हम। बोल कितनी रही है, आए दिन तो खेतों में पकड़ी जावे। तुम्हें देखी मैं? अजी माँ जी रहन दो, मैंने ही ना पूरे गांव ने देखी। ना जी ना, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दियो बिल्कुल भी। ध्यान कैसे नहीं दियो, ससुर जी इधर को आओ, मैं बताऊंगी इसके कारनामे, तो मैं तो कुछ कहती ना हूँ तुम्हें। ना जी ना, कोई बात ना है, तुम क्या सुन रहे हो, मेरी सुनो तुम। क्या सुन रहे हो क्या, इधर को आओ मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे पति हो। अरे थम जा सुन ले, पता क्या कह रही है, कपड़े फाड़ के थाने चली जाएगी, हमें जेल करा देगी। हैरी तू थाने जाने को कह रही? और क्या, जाऊंगी ना क्या, जब भैंस का निहार मैं करूंगी और दूध तुम पियोगे तो। तू तो थाने जाने की बात कर रही, डीएम ऑफिस चली जाऊंगी, नंगी खड़ी हो जाऊंगी उसके सामने, कहूंगी इसे जेल करा। हे माँ जी बाबू जी, 200 ग्राम दूध के लिए कितने और गिरोगे? तू ही गिर रही है, हम क्यों गिरते, तू 100 ग्राम भी ना छोड़े। तो मैं क्यों छोड़ूंगी, मैं जब इसका निहार करूंगी तो। अभी रुक जाओ, अभी बुला रही हूँ तुम्हारे बेटे को, ना बुला ले, जा कर रखा दोनों ने, बुला ले। अरे ओ राकेश, ओ राकेश कहाँ मर गया, यहाँ को हरामी। आओ उससे निपटा हम, मजनू से। यो यारी कैसे लड़ रही है, होता ही क्या, दोनों लड़ रहे हैं मुझसे। हाँ भाई क्या कह रहे हो तुम इससे? मैं बताऊंगी क्या कह रहे हैं, बता। एक बात बताओ, जब भैंस को न्यार में डालूं, पानी में पिलाऊं, उसे नहलाऊं मैं, और खूटी पे मैं बांधूं, अंदर में लेके जाऊं, तो दूध भी हम ही पियेंगे ना। और हम ही पियेंगे दूध, लेकिन नहीं, बाल्टी लेके अलग चले नहीं आ रहे हो के? तुम कैसे पियोगे दूध, हम पियेंगे। अबे तुम अगर भैंस का कर रहे हो तो किसी पे एहसान कर रहे हो क्या, तो खरीद कर तो मैं ही लेकर आया। अरे पैसे किन्ने दिए खरीदने के लिए, पैसे तो मैंने दिए है तुम्हें। ओहो पर तू है भी तो मेरा ही पेशाब। तो पेशाब हूँ तो हम भी तो लेंगे इसका दूध ना, हमें तो फांके से मार दो। और अबे तुम मर गए फांकों से, तुम्हें न्याज न मिल गया, देना रही हूँ मैं न्याज। न्याज न्याज तो फिर भैंस बेच दो,
सारे पैसे हम ले लेंगे जो हमने दिए थे। कहते क्यों ना हो? तुम ले ही अपने पैसों से। देख भाई देख, तू ज्यादा कर रिया भाई, तेरे निकल गए पर। बहू के आरिया बहुत कहने में, एक नंबर का हो गया तू गुलाम। तू बंटवारा कर भाई, हर एक चीज का बंटवारा कर, घर का बंटवारा कर और तू भैंस का भी बंटवारा कर। एक काम कर, आगे वाला हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला मेरा। ओहो, कितने चलाक हो रहे हैं। मतलब आगे क्या बचेगा? अरे आगे तुम आराम से जो चाहे वो करो, पीछे से मुझे पीछे वाली ज्यादा पसंद है ना, पहले से ही। तुम आगे वाला रखो, पीछे वाला हिस्सा मेरा। देख रहे हो कितना चलाक है ये बुड्ढा। मतलब दूध देगी तो पीछे से, कोवर देगी उससे कंडे बनेंगे तो पीछे से, और हम तो पूरी जिंदगी नियार और पानी पिलाते रहेंगे। और क्या ना, अरे हम बड़े हैं, अरे जैसे हिस्सा हम करेंगे बंटवारे का तो वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मानो ना भैंस वाली, ना मानना है हम, पीछे तो भैंस हमारी, आगे से ले लो तुम। और क्या ना, ना माने तू, ना मानने का तो ठीक है, फिर पंचायत होगी अब। हाँ, बुला लो सरपंच प्रधान को। और क्या, वही करेगी हमारा फैसला। ठीक है, अब सारा फैसला वही होगा। चलो चलिए। अरे बताओ महावीर जी, किस लिए बुलाई है पंचायत? हाँ तो सरपंच जी, बात है। बात क्या होती, बात मैं बताऊंगी। और हाँ, बात बताने से पहले ना बात हक्की करियो। हाँ, यहाँ को बैठ जा तू। अब बताओ, बताओ अब। देखो प्रधान जी, बात ऐसी है कि सवेरे ही सवेरे हम चाय पीने के लिए दूध काटने के लिए गए भैंस के आगे, ये हमारी मुझे और बहू वही खड़ी। हमने कहा हम 50 ग्राम दूध निकालना है, निकालने दे, मगर नहीं, साफ साफ मना कर दिया। अद्धा मारा इतना मोटा, सिर में खून निकलने से बच गया, घूमड़ा पड़ गया। देखो हाँ, कितना झूठ बोल रहा है। देख लो क्यों है तुम्हारे माँ बाप झूठ काहे की, और पता भी क्या कह रही, थाने में कपड़े फाड़ के पहुंच जाऊंगी। यू और कह रही, चुप हो जा, ज्यादा ना बोलनी है तू। तू तो चुप ही रहे बहू का गुलाम। तुम गुलाम किसे कह रही हो, किसे कह रही हो तुम गुलाम? मेरी बात सुनो प्रधान जी, एक बात बताओ, जब भैंस को न्यार में डालूं, पानी में पिलाऊं, उसे नहलाऊं मैं, गोबर में सामता करूं, तो दूध ये क्यों पियेंगे? दूध भी मैं ही पीऊंगी। इतनी सी बात कह दी तो दोनों मेरे ऊपर को चढ़ रहे हैं मानने को। झूठ काहे को बोल रही, हमले काहे 50,000 की भैंस। हाँ, कितना झूठ बोल रही है। अरे माँ जी, क्यों इतना झूठ बोल रही हो? अरे पैसे तो मैंने दिए भैंस के लिए 50,000 रूपए। अबे ओ, तू बीच में बोलिए, मैं तो यही प्रधान जी की चप्पल से मारूंगा साले बहू के गुलाम। गुलाम बता रहा हूँ, तुम भी तो हो माँ के गुलाम, हर वक्त इसके पेटीकोट में घुसे रहो। हमें कह रही खुद बड़ा रह लुगाई के लहंगे में, सारी जमीन बेच के खा गया बहू का गुलाम। अरे माँ जी चुप हो जाओ, कम से कम कुछ तो शर्म करो, अपने घर का भेद दे रहे हो प्रधान जी के सामने। हाँ, जैसे इन्हें तो सब कुछ पता ही ना है। मैडम देखो, ससुर जी बैठे हैं सामने, और देखो सिर पर पल्ला करके नहीं बैठी, ये देखो ऐसे ऐसे लक्षण। हाँ तो हम दोनों में तो पहले ही तय हो गया, जिसके मन में जो आएगी वो पहनेगा, जो आएगी वो करेगा, हमारी मर्जी। जमाना मॉडल चल रहा, हम तो ना ओढ़ते। जमाने इतना भी मॉडल ना हुआ, गाँव देहात में रहने के रीति रिवाज हो करे हैं। इसे देखो, एक रीति रिवाज इसे याद ना। बस चुप हो जाओ, हमें पता माँ जी कैसे पकड़ी जाएंगे एक दिन खेतों में। ए चक्कर, तेरी माँ है, देख अब समझाने का नहीं है, देख तेरी माँ के बारे में कैसे कैसे बोल लिया। तो कह रही है ये सही में गुलाम हो गया भाई ये तो। हाँ तो क्यों कहेगा, मेरा आदमी है, मेरी साइड बोलेगा। हाँ। बड़े भारी। अरे मेरे ससुरों, मेरी बात तो सुनो, बात तो बताओ क्या है। मैं तो चलूं, तुम लड़ते रहो आपस में। हमारा फैसला करा के जाओ, ये दोनों तो बहुत मुझोर है, कौन लगेगा इनके मुंह, ये मार लेंगे हम दोनों को। ये हमसे पिट जाएंगी, है एक हाथ की जवान है इसकी। चलिए चल, बता क्या बात है। मैं क्या बताऊं, तुम भी बतेरे बोल रहे हो, सुबह से चुप ना रहे, तुम ही बता दो। अरे चल तू ही बता दे क्या बात है। अरे मैंने बता दिया, तुम ही बताओ। अरे तू ही बता दे क्या बात है। मैं क्या बताऊं, यो ही बताएगी, यो ही तसले बाल्टी फेंकती फिर रही है, यो ही बताएगी। क्यों कम तो तुम भी ना हो, मुझे और तो तुम भी बता रही हो, यो हाथ की लंबी जवान है तुम्हारी, तुम ही बता दो। अच्छा मुझसे लंबी तो तेरी जवान है, मेरी इतनी मुझे और ही बतेरी कर लेगी। अरे मुझे और तू ही बता दे क्या बात है। अच्छा मुझे और बता रहे हो, कम तो तुम भी ना हो, माँ जी के गुलाम, हर वक्त पेटीकोट में घुसे रहो, तुमने छेद कर दी माँ जी के पेटीकोट में भी। अरे बेशरम, देख रहे हो कैसे कैसे बोल रही है। चल बता, चल बता क्या बात है। मैं ना बता रही, तुम ही बताओ या बताएगी माँ। अरे तू ही बता दे क्या बात है। मैं क्या बताऊँ, यही बताएगी, सुबह बाल्टी और तसले लेके फेंक रही थी, यही बताएगी जो बताना। क्यों मैं क्या बताऊँ, देख रहा जमान तो इसकी भी कम ना चल रही, बता ना सकती है दो बातें प्रधान जी से। अबे फैसला किसे करना, बात किसकी ना माननी, तुम्हें ना बात माननी, हम तो कह रहे हैं हमें पीछे वाली दे दो, आगे वाली तुम रख लो, तुम ही बताओ ही ना। आपने बता रहे, बताओ
अब तुम ही आए बताइए हमें ना बता करवाओ फैसला या मत करवाओ। पहले बहू के गुलाम ना बताने का ना। गुलाम किसे कह रहे हो तुम? गुलाम किसे कह रहे हो? तेरे आदमी को कह रही हूँ गुलाम। तो गुलाम ही हो। अगर ये गुलाम है भी तो क्या हो गया? जैसे तुम माजी के गुलाम वैसे तुम्हारा बेटा मेरा गुलाम। और क्या सही कह रही है? ना बताने को तुम दोनों में से कोई भी ना। अरे तू ही बता। ए जी मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। तू क्या है नंगी खड़ी है? तो बताने में तुझे शर्म आ रही है? बताओ। अरे कोई बात बताओ। हाँ जी मुखिया जी तुम्हें बताओ क्या बात है? अरे मेरा ससुरो मुझे क्या पता क्या बात है तुम्हारे घर में? तुमने कुछ बताया नहीं अभी तक। और अपने आप कर लो फैसला। मैं तो चलूं। अरे प्रधान जी। अरे प्रधान जी। प्रधान जी। अरे पापा तुमने मेरे चूते ही हो। अरे बताई नहीं गई क्या बात थी? अब तू भी तो बता सके। हाँ बस बस।